हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओवुलेशन डे के 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आज ओवुलेशन हो चुका है और अगर आप इस दिन रिलेशन बनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि आप नहीं चाहते प्रेगनेंसी, तो आप इस दिन को अवॉइड करके आगे पीछे आप रिलेशन बना सकते हैं। तो आप अपने सेफ डे को भी चुन सकते हैं कि कौन सा रिस्की डे है और कौन से सेफ डेज हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जिससे कोई भी लेडी पहचान सकती है कि आज उसका ओवुलेशन डे है। ओवुलेशन डे को पहचानना एक बात है और उस दिन आपको प्रेगनेंसी ही हो जाएगी, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि स्पर्म काउंट और मोटिलिटी भी अच्छी हो और आपके एग्स का साइज भी प्रॉपर हो, यानी कि 18 mm से ज्यादा हो, और तीसरा आप में कोई हार्मोनल इंबैलेंस ना हो, यानी कि आपको थायराइड और आपको शुगर या कोई और तरह की डिजीज ना हो, तो आपको वो साथ में कंट्रोल करनी होती है। तो यहाँ अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल तो आप ओवुलेशन डे की हेल्प से, इन 3 सिम्टम्स की हेल्प से आप ओवुलेशन डे को पता लगाएंगे और ओवुलेशन डे पता लगा तो आप उस दिन रिलेशन बना के प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है लिक्विड डिस्चार्ज। लिक्विड डिस्चार्ज में क्या होता है कि उस दिन आप देखेंगे आपको थोड़ा थोड़ा हल्का सा स्टिकी और पानी के जैसा पतला कुछ फ्लो होने लगता है, ट्रांसपेरेंट फ्लो होने लगता है। इट मींस आपकी बॉडी में इस समय ओवुलेशन हो चुका है या वो होने वाला है, क्योंकि हार्मोन्स बनने का मतलब ही यही है। जैसे ही ओवरी से फॉलिकल फेलोपियन ट्यूब में एक्सेल आती है तो उस समय बहुत ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वही हार्मोन्स फ्लो होके नीचे आते हैं। और इनका एक दूसरा पर्पस भी होता है कि अगर आप उसी समय रिलेशन बना रहे हैं तो स्पर्म्स को ऊपर तक मूव करने में ये उसको एक लिक्विड मीडियम देती है, जिससे कि स्पर्म्स अच्छे से स्पिन करते हुए ऊपर चले जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। तो ये उसके लिए आप कह सकते हो स्पिनिंग का मीडियम, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि स्पर्म्स जो है स्विम करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट स्टडी है वो कहती है कि स्पर्म इस तरह से स्पिन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्पिनिंग में हेल्प होती है और वो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं और कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो लिक्विड है वो धीरे धीरे और स्टिकी होता जाएगा और ये गाढ़ा बिल्कुल व्हाइट, जैसे कि क्रीम की तरह व्हाइट आप लोशन देखते हैं, मॉइस्चराइजर देखते हैं, बिल्कुल वैसा होने लग जाता है। तो इट मींस अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं हार्मोन और अब आप अगर रिलेशन डेवलप करेंगे तो अब आपका कंसीव नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा। तो जब वो लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होता है उसके 10-12 घंटे बाद, 16 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आप अगर रिलेशन बनाते हैं तो कंसीव होगा। अब ये अलग बात है कि हर लेडी को अलग अलग होता है, किसी को 3 दिन रहता है, किसी को 2 दिन रहता है। तो आपने देखना है ना तो वो वेरी फर्स्ट डे हो, ना वो बिल्कुल लास्ट वाला डे हो, बीच वाला डे हो या बीच वाला टाइम हो। अगर आपको 2 दिन रहता है तो आप लगभग 18 घंटे या 16 घंटे बाद रिलेशन बना सकते हैं जब आपको पहली बार डिस्चार्ज हुआ है। दूसरा आप देखते हैं बेसल टेम्परेचर। बेसल टेम्परेचर उन दिनों आपका बढ़ जाता है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड कई वीडियोस बना रखे हैं और आप चाहें तो इसको डॉक्टर बीना सेठी, जो मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर बीना सेठी, वहां पे जाकर भी इसको देख सकते हैं। इसमें आपको मैंने बताया है कि पीरियड जिस दिन आपके खत्म होते हैं उसके नेक्स्ट डे से आपने टेम्परेचर नोट करना है वेजाइना का और उसको नोट करके लिखते जाना है। पहले दिन के टेम्परेचर से अगर पूरा 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर जिस दिन ज्यादा हो जाता है वही आपका क्या होता है, ओवुलेशन डे होता है। तो यहां आप देखेंगे बेसल टेम्परेचर ही नहीं पूरी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है।
लेकिन हम बॉडी के टेम्परेचर को इतना एक्यूरेटली नहीं नाप सकते क्योंकि कभी आपने वुलन्स डाले हैं, कभी नहीं डाले, कभी आप एसी में बैठे हैं, कभी आप पंखे में बैठे हैं, कभी आप गर्मी से आ रहे हैं, तो आप देखेंगे आप किस लोकेशन में रह रहे हैं, इसका भी आपकी फुल बॉडी के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, या आपने क्या खाया है एक दिन पहले, या आपने क्या एक्सरसाइज की है। तो इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट जानने के लिए हम केवल बेसल टेम्परेचर को यानी कि वेजाइना के टेम्परेचर को अर्ली मॉर्निंग में ही नोट करते हैं, और जिस दिन वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा बढ़ा हुआ होता है उस दिन हम मान लेते हैं कि ओवुलेशन हो गया। तो ये सेकेंड सिम्टम है आपकी बॉडी में आपका टेम्परेचर हाई होगा। और थर्ड सिम्टम होता है कि आपका हाई लिपिड होता है, यानी कि आपको जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज्यादा होती है इन दिनों, और आप क्योंकि गीला गीला भी नीचे से फील करते हैं इस कारण से भी, और क्योंकि हार्मोन्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं इस कारण से भी आप देखते हैं कि आपको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है उन दिनों। इसके साथ कुछ केसेस में हम ये भी देखते हैं आप फील कर पाते हैं, एक्चुअली उसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो नेक्स्ट सिम्टम है आपको अपनी फिंगर से, ये जो मिडिल फिंगर है ये फिंगर आपको अपनी वेजाइना में डालनी होती है, और आप सर्विक्स को, जैसे ये आपकी यूट्रस है तो यहाँ आपका सर्विक्स और नीचे होती है वेजाइना, तो सर्विक्स का मुंह उन दिनों खुल जाता है। ये आप नेचुरल ब्यूटी है कि जिस दिन आपका एग बन के आने वाला है, जिस दिन लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है उस दिन वाइब्रेशंस, कुछ जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशन, इनके कारण इसका मुंह खुल जाता है, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो आप अगर फील कर सकते हैं तो आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी आप ऐसा काम ना करें, खुद चेक ना करें, क्योंकि कई बार आपके नेल्स के कारण वहां इंजरी हो सकती है और कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप पहले तो ये टेस्ट ना करें घर पे, और अगर आप करते हैं तो पहले हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज करिए, अच्छे से वॉश करिए साबुन से, और इनके ऊपर ग्लव्स पहनिए, मेडिकल ग्लव्स पहनने के बाद आप केवल इस फिंगर से टेस्ट करें और नेल्स को पहले कट कर लें, तो आप देखेंगे उस दिन सर्विक्स का मुंह खुला हुआ होता है। तो फ्रेंड्स ये थे 3, और चौथा सिम्टम मैंने आपको बताया जो होता है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, लेकिन आप चाहें तो उसको उंगली की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से फील कर सकते हैं। अगर आपने ओवुलेशन डे पता लगा लिया फ्रेंड्स और आप चाहते हैं कंसीव करना, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप इन 3 को नोट करें। और कभी कभी इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, कभी कभी हल्की सी वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग का आपका सेंसेशन भी रहता है, और आपका जो बॉडी का लोअर पोर्शन है उसमें आपको हल्का हल्का क्रेम्स भी होते हैं, दर्द भी होता है, और अगर राइट साइड से रिलीज हो रहा है तो राइट साइड पे ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड से रिलीज हो रहा है तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ज्यादा पेन होगा। तो इन सारे सिम्टम के साथ आप देख सकते हैं कि आपको ओवुलेशन हो गया है। तो ये थे 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम फॉर ओवुलेशन, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं आपके जिनको इसको जानने की जरूरत है। तो इसके साथ मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप मेरा दूसरा चैनल डॉक्टर बीना सेठी को जरूर सब्सक्राइब करिए, उसको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने मेरे इस चैनल को दिया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।